कानों को थोड़ा आराम दिया जाए मित्रों, क्योंकि यार ये सारे हेडफोन बहुत ज़्यादा भारी होते हैं आजकल। तो गाइस, इतने सारे भारी हेडफोन के बीच में हमें एक हल्की सी प्रोडक्ट चाहिए होती है जिससे हम अपना काम चला सकें, रोज के वीडियोस देख सकें, बहुत लंबे समय तक गेम्स भी खेल सकें, पर हमारे कानों को बेस ज़्यादा असर ना आए, जैसे कि इस हेडफोन में होता है। बहुत ज़्यादा भारी होती है तो सिर दुखने लगता है, कान भर जाते हैं, ऐसा वैसा करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पर गाइस, हमारे लिए एक सलूशन है। मैंने परचेस किया है एक नया सा ईयरबड, एप्पल की ईयरबड मैंने परचेस किया है। देखो क्या हुआ, ये एप्पल का नहीं है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये एप्पल की नहीं है। मान लो ना, मानने में क्या जा रहा है, मानने से तो दुनिया चल रही है ना, तो मान लो ये एप्पल का ही है। वैसे मत ही मानो गाइस, क्योंकि ये चाइना का प्रोडक्ट है। तो गाइस, आज करने वाले हैं इस वाली ईयरबड का अनबॉक्सिंग, और साथ ही मैं देना चाहूँगा इसके बारे में कुछ डिटेल्स, रिव्यू भी दी जाएंगी इस वीडियो में, और साथ ही में इसके ऊपर एक दो वीडियोज और बनाई जाएंगी कि कैसे इस्तेमाल करें और कैसे इस पर विश्वास करें। तो इस पर बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी गाइस। तो चलिए गाइस, वीडियो भी पढ़ते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं देना चाहूंगा शॉर्ट आउट हम सब्सक्राइबर नॉलेज की दुनिया को, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। तो गाइस, अगर आपको भी शॉर्ट आउट चाहिए तो सिंपल से करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ ही अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो आपको पहुंचेगी मेरी नई वीडियोस की अपडेट, और साथ ही मुझे जाएगी कि इस बंदे ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही मैं दे दूंगा आपको शॉर्ट आउट अपने अगले वीडियोस में। तो चलिए गाइस, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस, अगर आप इस पे गौर से देखोगे तो यहां पे i7 i75s लिखा हुआ है। ये i7s का मतलब मेरे को भी नहीं पता क्या है एक्यूरेट, बट यार देखो जो भी हो इसके मतलब मेरे को नहीं पता, उससे मेरे को कोई कोई मतलब नहीं है और मेरे को उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं है। पर गाइस, मैं बताना चाहूँगा इसमें आपको कुछ 5-6 कलर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। आपको यहाँ पे 5-6 कलर दिए गए हैं, पहला में है वाइट, दूसरा में ब्लैक, तीसरा में रेड, और चौथा में पता नहीं ब्राउनिश सा है, और ये छठा में जो रेडिश सा है। देखो यार, ये रेडिश सा है बट ये एक्चुअली में पिंक है, तो आपको दिख रहा होगा ये रेडिश सा, पर ये पिंक है। गाइस, इसके पीछे के बारे में बात कर लें, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखो तो स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं पर आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस पढ़ के। तो गाइज, पहली बात ये है मॉडल i7s TWS ट्रू वायरलेस सेटरी, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में। तो वायरलेस वर्जन है इसका v5.0, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है फिलहाल। इसका जो है गाइज काफ़ी तगड़ा सा है। अगर माइक्रोफोन सेंसिटिविटी की बात करें तो 42 dB है, और साथ में फ्रिक्वेंसी की बारे में बात करते गए तो 2.40 GHz की, और बैटरी कैपेसिटी जहाँ तक रही तो गाइज 65 mAh से लेकर के गाइज आपको 95 mAh की दी गई है। अगर बात करें गाइज ये 65 और ये 950 mAh क्या, तो मैं आपको आगे वीडियो में समझा दूंगा। और गाइज जहाँ तक बात रही कितने समय तक चल जाएगी, तो वो कुछ 3 से 4 घंटे तक चल जाएगी। ये चार्ज आपको कुछ 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाएगी और काफ़ी सही से चलेगी गाइज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर गाइज यहाँ पे आप लोगों को एक छोटा सा झटका लग सकता है गाइज। देखो यार, बुरा मत मानना गाइज, बट ये मेड इन चाइना है गाइज। देखो यार, मेड इन चाइना होना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये ख़राब हो जाता है ऐसे, इस पर कोई रिस्क तो मैं आपको वो थोड़ा सा बता दूंगा कि भाई ये थोड़ा सा रिस्क तो है, पर गाइज काफ़ी तगड़ी से प्रोडक्ट है। इसके बारे में रिव्यू और अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, ना कि इसके बारे में चर्चा। तो पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, मैं दिखाना चाहूंगा इसके गाइस। पहली बात तो ये ज्यादा बड़ी डब्बी है नहीं कि मैं ऐसे टेबल पे रखूं, आराम से अनबॉक्स करूं, दिखाऊं। तो ऐसे ही डायरेक्टली अनबॉक्स करते हैं इसके, इसको खोल के। फर्स्ट इसे हम खोलेंगे ऐसे करके, ये खुल चुकी है गाइस, ये इसका डब्बा है, और इस पर कुछ नहीं, इसके बस थोड़े बहुत नाम वाम लिखे हैं, तो चारों तरफ से ये हमें जानना नहीं है, हमें जानना है इसके अंदर गाइस। तो हमें इसके अंदर क्या मिलने वाली है, तो गाइस ये आप जैसे ही इसे निकालोगे तो ये मिलेगी आपको इसके अंदर से, बाकी ये डब्बा जो है खाली है। इसके अंदर एक वायर मिली है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस की वायर इसकी कितनी बड़ी है। सो गाइस ये देख सकते हो वायर, इतना बड़ा वायर गाइस, इसका कोई काम नहीं था इसमें, मेरे को लगता है ये देना ही चाहिए। दरअसल मुझे नहीं पता यार, ये इतने छोटे छोटे वायर क्यों देते हैं यार इसमें, इससे क्या होगा यार, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। मैं पहले ही बता दूँ ये बहुत बेकार वाली चार्जर थी। तो गाइस इसके बारे में जान लेते हैं, ये कैसी रहेगी आखिर हमारे लिए, आखिर कितनी प्राइस है इसकी, हर एक चीज़ के बारे में जानेंगे गाइस। तो पहले देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे एक बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको क्लिक करने पे ये ऑन हो जाती है। यहाँ पे देखो तो ब्लू कलर की लाइट जलनी स्टार्ट हो गई है, और इसे एक बार दबाने से ये बंद हो जाती है, और इसके अंदर जो आती है गाइस इंपॉर्टेंट वो रखता है कि क्या इसके अंदर से मिलता है। तो गाइस आप जैसा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे खोलने का भी ऑप्शन है, इसे खोलोगे गाइस तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक ईयरबड। बोल तो गाइस ये एक ईयरबड है जो कि सेम टू सेम एप्पल जैसी दिखती है। इसे आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो, कोई कुछ नहीं, इस पर फोर्स डालो, इसे निकाल लो, इसे भी सेम टू सेम फोर्स अप्लाई करो और इसे भी निकाल लो। सो गाइस इस दोनों को निकालने के बाद मैं इस डिब्बे के बारे में बता चाहूँगा गाइस, जिसके बारे में मैंने कहा था कि इसकी 95 जो है 905 वो वाली, इसकी जो है बैटरी बैकअप है, और साथ ही में इन दोनों की 65 वाट करके है। दोनों अलग अलग काम करती है गाइस। आप अगर चाहो गाइस तो एक को अपने कान में
अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हो और एक को अपने कान में अलग काम के लिए यूज़ कर सकते हो। बट गाइस इसमें एक फ़र्क है कि आपको अलग अलग फ़ोन डालने पड़ेंगे इसके लिए ना, तो गाइस आप दोनों को पेयर तो नहीं कर सकते गाइस। जैसे कि आप इनमें से एक को ऐसे डाल लो कान में और ऐसे बाकी आयत रहो अपनी GF से, जिससे आपको प्राइवेटली बात करनी है आपसे बात कर सकते हो कि हाल जोगे बढ़िया खली पीली गे एकदम से, तो गाइस आप इस तरह से कुछ बात कर सकते हो। देखो यार आप इसको भी कान में डाल के ऐसे करके इसमें डाल सकते हो और साथ ही में इसमें भी बात कर सकते हो। देखो यार कैसे लग रही है मेरे को नहीं पता यार, देखो अपन के ऊपर सही लग रही है यार। तो गाइस ये काफ़ी सही सी प्रोडक्ट है और इसमें कोई मैग्नेटिक नहीं है ऐसा कि ये चिपकने वाला चुंबक वुंबक यहाँ पे कुछ नहीं है ऐसा करके, ये जो है दोनों नॉर्मल सी है और काफ़ी सही सी है। तो गाइस बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, बहुत ज़्यादा वीडियोस को मैंने आगे कर लिया। तो देखो इसकी प्राइस जितनी मैंने थंबनेल में डाल ली है बिल्कुल भी उतनी नहीं है। देखो डिसलाइक मत मारना इस बात पर कि भाई इसने प्राइस ऐसा बता के ऐसा कर दिया। देखो यार प्लीज़ यार देखो आजकल बहुत सारे क्लिक बेट चल रहे हैं यार, उसमें मैं भी थोड़ा सा कर रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है। तो देखो इसमें ना इसकी प्राइस आपको कुछ 2500 के आसपास पड़ जाएगी, 2500 के आसपास पड़ जाएगी। बट आप ढूंढोगे, देखो यार सबसे बड़ी बात ना ये मेड इन चाइना है और मेड इन चाइना बहुत बेकार से प्रोडक्ट नहीं होती है ना, हर एक चाइना प्रोडक्ट ख़राब नहीं होती, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं, तो उनमें से ये एक होगा शायद से, क्योंकि मैंने सभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ है। देखो आप इसमें पबजी खेलते तो काफ़ी तगड़ी थी, इसके बारे में मैं रिव्यू जरूर से ही दूंगा कि अगर आप इसमें पबजी खेलते तो कैसे होती है, वो मिलेगी आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई जरा सी भी तो लाइक से सब्सक्राइब जल्द से ठोक मारना क्योंकि अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड गाइस, बाय बाय।